Hey guys, what's up? This is Puneet. You're watching Guest Masters. कैसे आप सब लोग? और आपने जानते हो बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत दिनों से बहुत ज्यादा बिजी था, काम का इतना प्रेशर था. एक्चुअली मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था पूरा, तो उसकी कोडिंग में इतना बिजी था कि सुबह से लेकर शाम तक कोडिंग 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 के अलावा कुछ नहीं था. तो फाइनली आज मैंने खत्म की थी, और खत्म करते ही पहला काम मैंने किया आप लोगों के लिए वीडियो बनाई. तो सॉरी फॉर द डिले, कोई बात नहीं, चलिए. तो आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ टेक्स्ट के बारे में, बिकॉज मुझे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं कि हम अपनी वीडियोस की सर्चेबिलिटी कैसे बढ़ाएं. तो टेक्स्ट लगाने के कुछ मेथड्स आप लोगों के साथ आज डिस्कस करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस बेसिकली इस वीडियो में मैं तीन तरह के मेथड एक्सप्लेन करूंगा टैग लगाने के थ्रू. आप अपनी वीडियोस में अच्छी तरह टैग लगा सकते हैं, उनकी सर्चेबिलिटी कुछ हद तक इंक्रीज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टैग पे ही आपकी वीडियो चलनी ना चलनी निर्भर है, बट हाँ कहीं ना कहीं 60-70% आपके टैग पे डिपेंड करती है वीडियो की वो कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो चले भी. तो इनडायरेक्टली टैग्स रिस्पॉन्सिबल हो भी सकते, इनडायरेक्टली टैग रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी वीडियो के चलने ना चलने के, बट कंटेंट से ज्यादा नहीं. सबसे ज्यादा मैटर कंटेंट ही करता है, टैग्स कंटेंट की जगह नहीं ले सकते हैं ऑब्वियसली. तो चलिए फटाफट कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको वहीं पे बताते हैं कि क्या क्या मेथड है. तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि आपकी वीडियो कहाँ कहाँ सर्चेबल हो सकती है, मतलब कहाँ कहाँ लोग उसको सर्च कर सकते हैं. तो मेन दो जगह है जहाँ से आपकी वीडियो सर्च हो सकती है, तो हम उन दोनों जगह के अकॉर्डिंगली अपनी वीडियो में टैग प्लेस करेंगे. तो फर्स्ट तो आपका है यूट्यूब खोल के लोग वहाँ पे कुछ टॉपिक सर्च करें और उससे रिलेवेंट आपकी जो वीडियो है वो सर्च रिजल्ट में शो हो. पहला टारगेट तो हमारा यही होता है ना हमेशा कि यूट्यूब की सर्च में हमारी वीडियो आए. तो वो कैसे आती है? तो हमें वही टैग्स अपनी वीडियो में डालने हैं जो लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं, ताकि YouTube के एल्गोरिथम को लगे कि ये वीडियो इससे चीज से रिलेटेड है. तो जितने ज्यादा वो वाले टैग्स आपकी वीडियो में होंगे, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपकी वीडियो ऊपर 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 शो हो. अब वो आपने ढूंढना कैसे? सबसे बेसिक मेथड है यूट्यूब का सर्च बार यूज करना. आपने जो भी वीडियो बनाई है उसका टॉपिक यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिए और टैग्स ये अपने आप आपको दिखाएगा. देखिए कैसे, जैसे मुझे कोई, मान लीजिए मैंने कोई वीडियो बनाई कोई पीसी रिपेयर से रिलेटेड, हाउ टू रिपेयर कंप्यूटर मदरबोर्ड. तो जैसे ये देखिए, मुझे कंप्यूटर मदरबोर्ड से रिलेटेड मैंने कोई वीडियो बनाई थी, तो नीचे ये सारे इसने अपने आप मुझे फ्रीक्वेंट सर्च टर्म्स दिखा दिए हैं, और यही आपको अपनी वीडियो में एज अ टैग्स यूज करनी चाहिए. हाउ टू रिपेयर कंप्यूटर मदरबोर्ड, मदरबोर्ड इन हिंदी, कंप्यूटर मदरबोर्ड रिपेयर, रिपेयर डेस्कटॉप मदरबोर्ड, नो डिस्प्ले नो पावर. तो ये आपको एज अ टैग्स अपनी वीडियो में यूज करनी है, बिकॉज ये है फ्रीक्वेंट सर्च टर्म जो लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, इससे रिलेटेड लोग वीडियो ढूंढ रहे हैं. तो ये आपको जरूर एंड जरूर अपनी वीडियोस के टैग में शामिल करनी है, और इन्हीं को आप एज अ टॉपिक भी यूज कर सकते हो अपनी अगली वीडियो प्लान करने के लिए. तो ये एक बोनस टिप थी. अब ये एक मेथड हो गया. अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड आपको यूट्यूब पे टैग सर्च करना है, तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो है ट्यूब बडी के नाम से, और ये फ्री है इंस्टॉल करने के लिए इसका, और इसके अंदर फिर इसका पेड वर्जन भी आता है, उसमें थोड़े फीचर्स एक्स्ट्रा हैं, बट फ्री वाली से काम चल जाता है, इतना कोई खरीदने की जरूरत नहीं है. तो ये भी एक्सटेंशन काम कैसे करती है? जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ऐसे छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा इसका हमेशा, यहाँ से आप काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हो, काफ़ी कुछ. मैं उन बाकी फीचर्स के बारे में बात नहीं करूँगा बिकॉज उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगी. फिलहाल इस वीडियो में इसके टैग्स के टॉपिक के रिलेटेड बात करते हैं. तो इसमें जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो ये आपको टैग सजेस्ट भी करेगी, नीचे सजेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको उस वीडियो से रिलेटेड टैग सजेस्ट करेगी कि आप क्या क्या प्लेस कर सकते हो. और दूसरा इसका बेनिफिट क्या है? अगर उस टॉपिक के रिलेटेड किसी बड़े चैनल ने, किसी बड़े यूट्यूब चैनल ने वीडियो पब्लिश की हुई है, तो आप उस वीडियो को ओपन करके उसके सारे टैग्स देख सकते हो. जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी एक वीडियो ओपन की तो मुझे उसके सारे टैग्स शो हो गए हैं. तो इसका बेनिफिट ये है कि आप देख सकते हो कि बड़े चैनल किस टाइप के टैग यूज कर रहे हैं, और अगर आपको उनमें से कोई रेलेवेंट लगे तो आप कॉपी करके यूज कर सकते हो. बट माइंड यू गाइज, एक बात आपको यही क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी भी और चैनल का नाम वगैरह अपने टैग में यूज मत कीजिए, बिकॉज वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है. तो आपकी वीडियो को नुकसान ना हो तो वही टैग्स कॉपी कीजिए जो उसके नाम वगैरह से रिलेटेड ना हो. तो ये बहुत अच्छी एक्सटेंशन है अगर आपको यूज करनी है तो. वैसे मैं इसके एक डिटेल वीडियो अलग से ला दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए, बट इसमें टैग्स रिलेटेड काफी फंक्शनैलिटी और बाकी भी बहुत फंक्शनैलिटी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं. फ्री है, फ्री वर्जन में हाँ कुछ कट डाउन जरूर है,
आपको टोटल 10 टैग्स ही ये सजेस्ट करेगा, एक उस वीडियो से रिलेटेड और बाकी सजेस्टेड वीडियोस से रिलेटेड, तो 5 5 दोनों के। बट काम चल जाता है, इतना कुछ नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब के सर्च बार से भी तो टैग्स लोगे ही, और एक वीडियो में कितने टैग्स लगाने होते हैं, मैक्सिमम 10 12 15, इससे ज़्यादा तो मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कभी भी लगाना। और दूसरा एक्सटेंशन का बेनिफिट ये है, जिस टाइम आप अपनी टैग्स लगा रहे होगे तो आपको साथ में वर्ड काउंट वगैरह भी दिखाएगा ये सारा प्रॉपरली, ताकि आपको पता चलता रहे कि कितने वर्ड्स रिमेनिंग हो गए हैं और आप कितने टैग्स और लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करता है आपका चैनल। तो अब दूसरी जगह की बात करते हैं जहाँ से गाइस आपकी वीडियो सर्च होती है, वो होता है सर्च इंजन, जैसे गूगल, याहू, बिंग, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वहाँ से भी आपकी वीडियो सर्च होती है। तो बिकॉज आप ये चीज़ भूल जाते हैं ना, अगर हमें कोई भी टॉपिक ढूंढना है, हम सबसे पहले गूगल पर सर्च करते हैं कि हाउ टू डू दिस, उसके बाद वो हमें कुछ रिजल्ट्स दिखाता है, उसमें वो वीडियो रिजल्ट्स भी होते हैं और वहाँ से हम वीडियो भी प्ले करते हैं। तो हमने एक दो टैग उससे रिलेटेड भी लगाना है ताकि हमारी वीडियो सर्च इंजन में भी सर्चेबल रहे। तो वो कैसे करना है, हमने आप सिंपली जैसे सर्च इंजन खोली, google.com खोली, और यहाँ पे जो भी आपकी वीडियो के रिलेटेड था उसको सर्च कीजिए। जैसे वही मैंने सर्च किया था ना, हाउ टू रिपेयर कंप्यूटर, तो यहाँ देखिए। तो अब जैसे ये रिजल्ट आ गए ना, जैसे ये देखिए इसमें वीडियो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो अब हमें करना क्या है, इनके लास्ट में जाइए और ये देखिए ये सजेस्टेड टर्म्स आ रही हैं। तो इनमें से जो डिफरेंट टैग्स हैं जो यूट्यूब के सर्च में आपको नहीं मिले थे, वो आप एक दो या जो भी आपको रेलेवेंट लगे वो अपनी वीडियो में प्लेस कर सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा कि जब कोई गूगल वगैरह पे या गूगल वगैरह पे आपकी वीडियो सर्च करेगा तो वहां भी आपकी वीडियो एज अ तो वहाँ भी आपकी वीडियो से रिजल्ट्स में शो होगी, तो वहाँ से भी आपके चैनल पर ट्रैफिक ड्राइव हो सकता है। तो और बिकॉज ना सर्च इंजन बहुत मैटर करते हैं ट्रैफिक ड्राइव करने में, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि अगर इन रिजल्ट्स में वीडियो आ जाए तो कितना ट्रैफिक आता है उन पर। तो मेन ये दो जगह है जहाँ से आपकी वीडियो पर ट्रैफिक आ सकता है और जिनके जिनको ध्यान में रख के आपको अपनी वीडियोज पर टैग लगाने हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतने गाइस, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना मत भूलना, याद से फटाफट लाइक का बटन प्रेस कर दो, और जो लोग भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जो भी मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियोस लाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज मी शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।